अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। अल्लाह ताला की ज़ात, आज का दिन खैरियत से गुजरे। आप लोगों का साया आपके बच्चों पर कायम रहे, फूलों जैसे बच्चों पर, आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे। हमारी दुआएं आपके साथ है। गुजारिश आप लोगों से हमेशा की तरह यह है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब भी दीजिए। व्हाट्सएप में जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करना तो आप भूलते ही नहीं करें। दोस्तों, लंदन में हूँ इस वक्त। कल का दिन बड़ा ही मसरूफ दिन था। लंदन दफ्तर जो कि कायद मुकर्रम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। एक सहाफ़ियों का इतना बड़ा रश मैंने कभी कहीं किसी दूसरे मुल्क में नहीं देखा। किस तरह से मतलब पाकिस्तान से आए हुए मतलब दर्जन भर से जायद साबिक एमएलए ने, वजीर, बहुत सारे एमपीए और बहुत सारी दूसरी शख्सियात, लग ऐसा रहा था कि जैसे सबके साथ मियां नवाज शरीफ थे चौथी दफ़ा वजीर बनने की मुबारक। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि वो 21 तारीख को वापस आ रहे हैं, सबको यकीन हो गया कि नवाज शरीफ वापस भी आएगा, इलेक्शन भी लड़ेगा, जीतेगा भी और चौथी दफ़ा वजारत उज़्मा का हलफ भी उठाएगा। तस्वीर दिखाता हूँ आपको मैं, ये बात करते करते अगर आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं किसी जगह पर नवाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जब साबिक वज़ीर आज़म खजाना इसहाक़ डार साहब के चेहरे पर आप कुछ नज़र आ रहा है, परेशानी नज़र आ रही है या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जैसे मीडिया पर सनसनी खेज फैलाई जा रही है। तो शहबाज शरीफ साहब कोई बड़ा पैगाम लेकर चले गए हैं और नवाज शरीफ ने कोई ऐसी बात कर दी है। ये हमारा मीडिया, सिवाय इसके कि उनको खबर चाहिए, उनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए, सनसनी खेज चीज़ें चाहिए जिससे वो अपनी, जिसे आप कहते हैं कि दुकानदारी चला सकते हैं, जिससे वो अपने सुनने वालों को कोई ना कोई गर्म धार मसाले। लेकिन लंदन दफ्तर में ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हर चीज़ बड़ी पुरसकून, मीटिंग्स जो मीटिंग में हमने शिरकत की जिसमें बहुत सारे जो पाकिस्तान से आए हुए साबक वाकी वफाकी नजरा थे, वो बारी बारी नवाज सब की बातें कर रहे थे, जो उनको बता रहे थे कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, आपका आना जो ही कितना है, इमरान खान साहब ने इस मुल्क को कहाँ पे ला के दिखाया और कहाँ पे बिगाड़ कर दिया। जब आप गए थे उस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी और इस वक्त पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वज़रा ने साथ में ये भी बताया कि जो पिछले 16 महीने गुजरे हैं इमरान खान साहब जिस नहज पर इस मुल्क की मीशत को डुबो कर, बकौल इमरान खान साहब के, जब वो वजारत उज़्मा से फारग हो गए 2 महीने के बाद पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला। डेफिनेट वो पीडीएम की हुकूमत की नाकामी तो नहीं हो सकती कि पीडीएम की हुकूमत को संभाले हुए 2 हफ्ते हों और साबिक वज़ीर साहब ये कहें कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। तो इमरान खान साहब को पता था तो वो कौन से गड़े फोड़ते गए हैं। डेफिनेट पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा था, इमरान खान साहब जलसे में खड़ा होकर पेट्रोल सस्ता करने की नजीर सुना रहे थे। बिजली के बिलों के ऊपर लिखा आता था कि प्राइम मिनिस्टर तरफ से आपको ये रिलीफ दिया जा रहा है और वो रिलीफ कर्जा लेकर दिया जा रहा था। तो वो तमाम चीज़ें थी जिनकी वजह से ये सारे हालात हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में कम अज़ कम वो जो ख़तरा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर देगा उससे हम बच गए। अब वो सलसल इस वक्त जारी है। देख सकते हैं आप जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब में और इस्टेब्लिशमेंट में कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं और शहबाज शरीफ साहब वो मसाइल ख़त्म करने आए हैं। मेरे ख्याल में उनको अहद चीमा साहब की, फवाद हसन फवाद साहब की और तकीर शाह साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहबाज शरीफ साहब से पहले पंजाब में, अब मरकज में, उनकी इस हुकूमत में होने को देखकर समझ आना चाहिए कि नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। जहाँ तक ये नवाज शरीफ साहब की तकरीर का तल्लक है, इसके बारे में ये सनसनी फैलाई गई जिसमें उन्होंने 2 जनरल और 4 जजों के एहतसाब की बात करें। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब इस बात पर किसी भी तरह से राजी नहीं होंगे। अगर उन्होंने अपने 40 साल जो उनका इकतदार का जवाल का अरूज का ज़माना रहा उसमें अगर इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो उम्र के इस हिस्से में जाकर वो कहाँ कंप्रोमाइज़ करेंगे। सारी उम्र इनकी लड़ाई रही है कि सब अपना अपना काम करे, फौज अपना काम करे, अदलिया अपना करे और पार्लियामेंट अपना करे, तो उस पर नवाज शरीफ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। और अगर नवाज शरीफ ने कंप्रोमाइज़ करना होता तो वो 2018 में या 2016 में उन ताकतों के साथ कंप्रोमाइज़ करके हुकूमत चालू कर रहा और आज अपनी दूसरी हुकूमत ख़त्म कर रहा था। तो नवाज शरीफ अपने असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। ये जो एहतसाब वाली है जिसमें साकु निसार साहब का नाम लिया जा रहा है, खोसा साहब का नाम लिया जा रहा है, गुलजार साहब का, बंदयाल साहब का, जनरल फैज का, जनरल बाजवे का, इससे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और मौजूदा स्टैब्लिशमेंट को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मौजूदा स्टैब्लिशमेंट भी मुझे और आपको सबको यही बता रही है कि वो चाहते हैं कि मुल्क की डायरेक्शन ठीक हो, मुल्क
वापस तरक्की करे, उस डगर पर चले जो 2016-17 में थे। 5 रुपये 90 पैसे बिजली का यूनिट नहीं हो सकता, ये मुझे भी पता है, जो कि 2016 में था। $100 पर नहीं आ सकता क्योंकि 2016 में था। 5.9 GDP भी नहीं हो सकती जो 2016 थी, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। कौन कर सकता है? नवाज शरीफ। इस बात का एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा है कि पूरी दुनिया में देखिए, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जाते हैं तो उनको स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाता है, नवाज साहब दुबई में जाते हैं तो स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाता है, अबू धाबी में जाते हैं तो स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाता है। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब के इन आलमी ताकतों के साथ और ब्रादर मुल्कों के साथ आज भी तलकात ऐसे हैं, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि वो नवाज शरीफ के साथ कोई नई लड़ाई लड़कर या कोई नया फड्डा बनाकर वो तमाम उन दोस्तों को भी नाराज कर लें जो नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे तलकात रखते हैं? और फिर एस्टेब्लिशमेंट को इसको बात का भी अंदाजा है कि इस वक्त सवाए नवाज शरीफ के और कोई ये मामला तय नहीं कर सकता, मुल्क को वापस नगर पर नहीं ला सकता। तो लंदन में जो सूरत हाल चल रही थी वो यही थी, किसी भी सूरत में जो एहतसाब है इससे पीछे नहीं हटा जाएगा, मुल्क को आगे लेके जाया जाएगा। नवाज शरीफ को एक बात बार बार बताएगी, आज मैंने हर जुबान से सुनी ये बात कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हाथ में है। नवाज शरीफ साहब ऐसा क्या किया जाए या आप ऐसा क्या करेंगे कि जैसे ही आप पाकिस्तान जाएँ, जैसे ही इलेक्शन हो, तो आप अगले 90 रोज में कौन सा ऐसा ऐलान करेंगे कि 90 रोज में कौन कौन से ऐसे मसाइल वो खत्म करेंगे? जाहिर है ये एक सोचने वाली बात है कि नवाज शरीफ 90 दिन में क्या क्या ठीक करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होगा तो अंदाज़ा होगा कि ठीक है, हमेशा की तरह नवाज शरीफ इस तरह भी कुछ कर सकता है। मरियम नवाज़ की जो अफवाह थी कि मरियम नवाज़ और शुभाष साहब आए हैं, तो मरियम नवाज़ अपनी बेटी का एडमिशन के लिए आई हैं, उन्होंने स्कूल में फर्स्ट डे बेटी के साथ जाना है, पेरेंट्स डे पर अपने जो उन्होंने लिखी वहाँ पर जाना है, लेकिन जाहिर है जब वो लंदन में होंगी तो ये कैसे हो सकता है कि एक बैठक ना बैठे जिसमें बड़े बड़े फैसले ना हों। मरियम नवाज के हवाले से ये है कि उन्होंने कायद मोहतरम को जाहिर है ब्रीफ किया, बताया कि पाकिस्तान में आपकी ये जो आपका जो वेलकम है उसके लिए किस लेवल पर काम कर रहा है पार्टी में, MNA, MPA, वजीर से लेकर एक ज़िला काउंसिल मेंबर, ज़िला काउंसिल से लेकर यूनियन काउंसिल तक सब ऑर्गेनाइज हैं और वो आपका वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। सुभाषी साहब ने भी मीडिया से बाद में बात करते हुए कहा कि जो ये तासर ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि मैं तो बड़ा खसूसी पैगाम लेके आया हूँ, बड़े भाई ने याद किया, मैं हाजिर हो गया हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये वो चीज़ें थी जो जो मतलब कि हमने वहाँ पर देखी, मीडिया का रश, वर्करों का रश, पाकिस्तान से आए मेहमानों का रश, नवाज शरीफ हशाश हशाश जाने के लिए तैयार, जाने के लिए पूरी तैयारी। एक एक चीज़ जो वहाँ पर हमें आज ये काफ़ी हद तक क्लियर हुई है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इसमें चेंजें आएंगी कि नवाज शरीफ साहब जब लाहौर एयरपोर्ट उतरेंगे तो क्या इंतजाम होंगे, लाहौर एयरपोर्ट उतर कर कैसे जलसा गार में जाएंगे, क्या रैली की सूरत में जाएंगे, तो ये भी एक 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 पॉइंट था। तो क्या नवाज शरीफ साहब जो है वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे? अभी तक की जो जो कन्फर्मेशन है या अभी तक का जो प्लान है उसके मुताबिक नवाज साहब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। रीज़न ये बताई जा रही है सिक्योरिटी इशूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं और इससे पहले हम कई हादसों से गुजर चुके हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी इशू और प्लस लोगों को कम तकलीफ दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आपने शो पावर शो करना है तो वो मीनार पाकिस्तान है, कि मीनार पाकिस्तान को भरा जाए। और इस चैलेंज को कबूल किया मरियम नवाज़ ने कि हम लोग मीनार पाकिस्तान को भरेंगे और मीनार पाकिस्तान को भरने के बाद हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में लग रही है। इसके अलावा और जो बाकी जो एहतसाब वाली बात है उससे नवाज शरीफ पे चढ़ने वाली बात नहीं है। इस्लामाबाद से बड़ी अहम शख्सियत की कॉल आई, जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा इस्लामाबाद के क्या हालात है, कह रहे वो जो रावी चैन ही चैन है, लिख रहा है सो रहा है, कोई ऐसी नहीं है इस्लामाबाद में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जनरल कादी जो फायज ईसा वाला केस है, जो उन्होंने केस उठाया है, अगर उसमें वो आगे उसका जो भी रिजल्ट निकलता है उसमें जनरल फैज साहब के बारे में उन्होंने जो उसको रिपोर्ट दी थी उसमें भी रावी जो है चैन ही चैन लिख रहा है। तो लंदन की हवाएं, लंदन की सजाएं जो हैं वो आने वाले दिनों में बहुत खुशगवार हैं। यहाँ पर कम अज़ कम मेरी नज़रों में किसी किस्म का कोई मसला नहीं देता। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए पुरजोश हैं, आने से पहले उनका होमवर्क मुकम्मल है। नवाज शरीफ साहब सबकी सुनते हैं, नवाज साहब की हम बहुत कम सुनते हैं। उनका जो प्लान होता है वो उनके दिल में होता है, वो अपने वक्त पर वो काम करते हैं। और एक दफ़ा फिर उम्र के इस हिस्से में नवाज शरीफ साहब इस कौम की रहनुमाई के लिए आने वाले हैं। अब एक महीना रह गया, एक महीना बहुत सारे लोगों की दुकानें खुल जाएंगी जिनको बहुत सारे मसले मसाइल होंगे, लेकिन आपने उनकी उनकी दुकानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं करना। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सुभाष शरीफ की साथ
तमाम के चेहरों से ऐसे ही लग रहा था कि वो सच्ची मुच्ची इंग्लैंड से कुछ बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत कर जा रहे हैं और वो जाकर पाकिस्तानी कौम को बताएंगे कि हम दोबारा आए हैं। और जिस तरह 2013 में और उससे पहले 96 में 92 में पाकिस्तान को तमाम तर मुश्किल से निकाला था इस दफे के मुकाबले से, आप लोगों से गुजारिश है हमेशा की तरह हमारा जो चैनल है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और आप लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शायद मियां मोहम्मद नवाज के साथ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनका इस्तकबाल कैसे होगा। 5 लाख बंदा होगा, 10 लाख होगा, 15 लाख होगा, जो भी तदाद आपके जहन में है वो लिख कर ज़रूर बताएं। आप लोगों से फिर बात होगी, ख्याल रखें, इजाज़त दें।